इसकी बात कर रहे थे कि आपके जो ब्रेन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक आपका जो होता है ह्यूमन ब्रेन आपके फ्रंटल लोब में होता है. फ्रंटल लोब का काम होता है जो सारे आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजन पावर ये सारा कुछ, ठीक है, रैशनल थिंकिंग होगी, लॉजिकल थिंकिंग और ये सारा कुछ. फिर आपका आता है चिम ब्रेन जो कि लिम्बिक सिस्टम पर प्रिजाइड करता है. आपका जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं वो लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, तो चिम ब्रेन उसके साथ काम करता है और ये इमोशंस रेगुलेट तो नहीं बट इमोशंस के थ्रू काम करता है. और आपकी जो बेसिक ड्राइव्स हैं और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं, फ्लाइट फ्राइट फ्रीज रिस्पॉन्सेज हैं, वो कंट्रोल करता है. और फिर कंप्यूटर ब्रेन है जो कि बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एंड देन इट प्रोवाइड्स इट टू द चिम्प और द ह्यूमन ब्रेन अकॉर्डिंगली एज इट यू नो एज इट्स नीडेड, राइट. उसके बाद देयर आर फ्यू थिंग्स जो ह्यूमन और चिम्प को डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी वेज ऑफ थिंकिंग, एजेंडाज, मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग और फिर पर्सनैलिटीज. हमने वेज ऑफ थिंकिंग कवर की थी लास्ट टाइम कि जो चिम ब्रेन है वो इमोशनली थिंक करता है. बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती इसमें. इसमें जो आपके इमोशन उस टाइम पे फील हो रहा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप लॉजिकली सोच नहीं पाते उस टाइम पे. फौरन से आपका एक रिएक्शन आता है, तो अगर आपको उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा है आप इमीडिएटली आपका आउटबर्स्ट होगा. आप उस टाइम पे रुक के रैशनली नहीं सोच सकेंगे कि कैसे रिएक्ट करना है. चिम ब्रेन को कहते हैं कि इट्स लाइक अ 2-year-old चाइल्ड जिसको भी उस टाइम पे ऐसे जितना पता नहीं होता कि रिएक्ट किस तरह करना है, बस जो जेन में आ रहा होता है वो कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेन किड्स दे वॉन्ट समथिंग टू ईट, राइट, वो एकदम से रोना शुरू कर देंगे, टैंट्रम्स थ्रो करेंगे. वो ये नहीं सोच पाते कि मे बी माई मॉम इज़ बिजी या अभी खाना मिल जाएगा मुझे, राइट. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं. दैट्स द चिम ब्रेन. एनिमल बिहेवियर है बट ऑब्वियसली लाइक एनिमल बिहेवियर इन ह्यूमन टर्म्स कहने बिकॉज ह्यूमन्स इस तरीके से रिएक्ट करेंगे. जो प्रॉपर लाइक ह्यूमन बींग्स होंगे वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकेंगे. इट इज़ कॉल्ड बट ऑब्वियसली ही इज़ ट्राइंग टू से वी कॉन्ट एग्जैक्टली इक्वेटेड टू एनिमल बिहेवियर, राइट, बिकॉज एनिमल एंड ह्यूमन्स आर डिफरेंट. फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं थोड़े से. हाँ, थोड़े से तो फंडामेंटल डिफरेंसेज हैं फिर भी. अब जैसे एनिमल्स दे कॉन्ट टॉक बट हम जो है हम अपने इमोशंस बाई टॉकिंग एक्सप्रेस करेंगे, राइट. हम बेशक वो गलत तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं, गुस्सा कर गए हैं जिस तरह भी, बट वी आर एक्सप्रेसिंग दम थ्रू वर्ड्स. जहाँ पे एनिमल्स आएंगे उनके इमोशंस डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस होंगे, बट वी ह्यूमंस कैन नॉट डू दैट उस तरह, राइट. थोड़ी सी समझ आई कि डिफरेंशिएट किस तरह इसको किया है. बट येस, यू कैन कॉल इट एनिमल बिहेवियर. मल्टीपल तरीके होते हैं आप इसको यानी कि बॉक्स कर सकते हैं और यू कैन टेम करने उसके काफ़ी लाइक तरीके हैं. एक बॉक्सिंग तरीका होता है कि आप उसको जो आपके जो बेसिक इमोशन उस टाइम पे फील हो रहा होता है यू पुट वॉल्स अराउंड इट, राइट, उसको बॉक्स कर देते हैं सो दैट आप जो है हाँ उसको यानी कि केज कर देते हैं. और फिर आप उसको एज ए थर्ड पर्सन व्यू करते हैं कि अच्छा ये मैंने केज तो कर दिया इसको, अब मैंने इसका करना क्या है. उस टाइम पर आप सोल्यूशंस निकालते हैं, आप देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं फ्रॉम योर ह्यूमन ब्रेन. जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे यू विल गेट बेटर डूइंग दिस. शुरू में बहुत मुश्किल होगा ऑब्वियसली टेम करना बिकॉज चिम्प की ड्राइव्स आर 5 times स्ट्रॉन्गर देन योर ह्यूमन ड्राइव्स. तो मुश्किल होता है बट वंस यू लर्न हाउ टू कंट्रोल इट, बिकॉज आप इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप अपने जेन से निकाल के कहीं बाहर फेंक नहीं सकते. इट्स विद यू फॉर लाइफ. हाँ, रिएक्शन से पहले, ऑब्वियसली रिएक्शन के बाद तो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, तो उस टाइम पर तो सिर्फ आपको रिमोर्स ही फील होगा ना कि अब ये गलत हो गया. अब उस टाइम पे फिर वही हो सकते हैं क्या कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल उस टाइम पे कर सकते हैं कि किसी को सॉरी कह दें कि आपने कुछ कर दिया है. बट एसेंशियली करना ये चाहिए कि ये आने से पहले जब आपका चिम्प टेम हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली लाइक आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे जहाँ पे आपको बाद में किसी को सॉरी कहना पड़े. एसेंशियली आपका पर्पज़ यही है कि आपने ह्यूमन ब्रेन को ज़्यादा काम करवाना है और चिम ब्रेन को कम. चिम ब्रेन को टेम रखना है. चिम ब्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने कोई शेर आ गया, राइट, शेर आ गया आपके सामने, राइट. अब आप वहाँ पे खड़े होकर लॉजिकली ये तो नहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ से भागने से क्या होगा, यहाँ पे खड़े रहने से क्या होगा. उस टाइम पे चिम्प ओवरड्राइव इज गुड फॉर यू. रिस्पॉन्स उस पे आपका ठीक आएगा उस टाइम पे कि द इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू रन अवे. हाँ, तो चिम्प जो है ना आपका सर्वाइवल इंश्योर करता है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट देन एट द सेम टाइम समटाइम्स ये ओवरड्राइव में जाके इस तरह के काम आपसे करवा देता है जो कि आपके लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, ठीक है.
उसके बाद हमने बात की थी ट्रेट्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जो कि ह्यूमन ब्रेन करता है. अब हम बात करेंगे ह्यूमन का एजेंडा, लाइक चिंप और ह्यूमन का एजेंडा. एजेंडा का मतलब होता है कि बेसिक पर्पस क्या है. दीज टू ब्रेन्स ये आपके एग्जिस्ट करते हैं फॉर सम रीज़न, राइट? ये ऐसे तो नहीं फजूल में तो नहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो इनका अपना अपना एजेंडा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ह्यूमन का एजेंडा है पर्पस इन लाइफ. पर्पस इन लाइफ, अब फॉर एग्जांपल आपका जैसे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो आपको नहीं पता कि आपने किधर जाना है. आपको फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि अगले दिन मैंने क्या करना है. एंड नहीं होगा. हाँ, यू वॉन्ट हैव एन एंड इन माइंड, राइट? तो पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट पर्पस जो ह्यूमन है वो एक किस्म का लाइक एमलेस पर्सन है. उस टाइम पे आपके जो एक्शंस होंगे उनका एंड पे कोई एंड रिजल्ट नहीं होगा. टू गेट सम एंड रिजल्ट आपका एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में. पर्पसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी के लिए पर्पस हो सकता है कि आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी. किसी का पर्पस हो सकता है, आप लोगों का पर्पस हो सकता है कि यू वांट टू रिकवर एंड यू वांट टू स्टे इन रिकवरी. दैट कैन बी योर पर्पस इन लाइफ. फॉर सम पीपल पर्पस इन लाइफ इज मैरिज एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. देखें, जब आप रीडिस्कवरी के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीडिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ, इट टेक्स टाइम. बिकॉज आप फिर सोच रहे होते हैं कि अब मेरा क्या पैशन है, या डू आई वांट टू डू द सेम थिंग, मैंने जो पहले करना था वो करना है, या मैंने कुछ नया करना है. उसके बाद है गेनिंग सेल्फ फुलफिलमेंट. सेल्फ फुलफिलमेंट वो चीज़ें होती हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो आपको चीज़ें मिलती हैं एंड यू फील ग्रेटफुल फॉर इट. कुछ अचीव किया है आपको, वो सेंस ऑफ वो आती है पर्पस. इससे सेंस ऑफ पर्पस भी निकलता है और आपको काफ़ी इस बारे में हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन भी फील होती है कि आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है लाइफ में. फिर आती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन. सेल्फ सेटिस्फैक्शन तब आती है जब आप अपने जो आपके एम्स हैं या आपके गोल्स हैं वो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं. बट ऑल्सो इसको कुछ लोग मिसकंस्ट्रू भी कर सकते हैं, यानी कि गलत तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हमारा एक पॉइंट पे आके नहीं गोल अचीव होता तो यानी कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है. बट हमें ये ज़रूर देखना होता है कि आपने पिछली पूरी लाइफ में अगर आपके 10 गोल्स थे उसमें से आपने 7 अचीव करनी है, दैट्स अ ह्यूज माइलस्टोन. इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो आपको उस बात पे सेटिस्फाई होना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए कि मेरे वो बाकी के 3 गोल्स रह गए हैं तो अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. उस पे रोना नहीं होता, यानी कि उसको पे देखना होता है कि वो क्यों नहीं अचीव हुए, तो हम अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं. मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं. कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं जिस वजह से वो नहीं हो सका. सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, हाँ, कोई इश्यूज हो सकते हैं. मल्टीपल पर्पसेस हैं. सिर्फ चिंप ब्रेन नहीं है जो आपके वो गोल्स अचीव ना करवाए, ठीक है. फिर है हेल्पिंग अदर्स. हेल्पिंग अदर्स से आपका जो एक रिवॉर्ड सेंटर है उसको एक बर्स्ट मिलता है. लाइक जो आपका ब्लड सप्लाई है वो एकदम से उस रिवॉर्ड सेंटर पे जाता है एंड इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स व्हिच मेक यू फील वेरी गुड और बेटर अबाउट योरसेल्फ. हैप्पी फील कराते हैं, आपको मज़ा आता है किसी को हेल्प करके. डोपामिन और सेरोटोनिन, इट आल्सो रेगुलेट्स योर हैप्पीनेस, ठीक. फिर है सेल्फ डिवेलपमेंट. सेल्फ डिवेलपमेंट है कि कॉन्टीन्यूसली अपने आप को बेहतर करने की कोशिश, जदोजहद में लगे रहना, लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे एक किस्म का पहुंचना. सिंस इट इज़ वेरी हार्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना कि आप अपने जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है उसको अचीव करना, बट सेल्फ डिवेलपमेंट जो है इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी हार्ड प्रोसेस. बीच में काफ़ी फॉल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे. सेल्फ डिवेलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम टू मेक योर सेल्फ बेटर, राइट? कोई ना कोई एक जगह रह जाती है जहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को फॉर लाइफ करते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुछ सालों बाद कम्प्लीटली परफेक्ट हो जाएंगे, कि वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते. वो ग्रैंडियोसिटी की थोड़ा सा साइड पर चल जाते हैं ना, लाइक काफ़ी इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम होती है उनकी, कि जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, यू नो, आई एम हैप्पी द वे आई एम, आई एम गुड द वे आई एम. बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि आपने कैसे रिएक्ट करना है, और वो आप इसी तरह सीखेंगे जैसे आप उस सिचुएशन से गुजरेंगे. आपको कोई और बताएगा, आप किसी से सीखेंगे, वो आपका सेल्फ डिवेलपमेंट का ही प्रोसेस है, ठीक है. फिर है क्रिएटिंग हारमोनी एंड पीस. ह्यूमन का एजेंडा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नहीं होता. अक्सर जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होता है वो आपका चिंप ब्रेन कर रहा होता है, बिकॉज चिंप ब्रेन को अपनी सिक्योरिटी
ब्रीच होती हुई नज़र आती है उसको, उसको लगता है कि मुझे कोई अटैक कर रहा है, बस यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जो चिम ब्रेन है वो ये सोचता है, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, फाइट आती है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, बिकॉज चिम ब्रेन जो है अभी भी इसी तरीके से चल रहा होता है कि वो जंगल इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको ये समझ नहीं आती कि वी आर लिविंग इन अ ह्यूमन इन्वायरमेंट राइट नाउ। तो इस वजह से क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस ह्यूमन का एजेंडा होता है कि हर जगह जो है आपने अमन लेके आना है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए ही इश्यूज आएंगे ज़्यादा, अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आएंगे, वो ना हो, लड़ाई ना हो कहीं पे, कोई दुखी ना होया हो हमारी वजह से, या इस तरह कुछ हमने उनसे अगर सॉरी करना है तो सॉरी करना है, किसी को हमने अगर कुछ गिफ्ट देना है कॉम्पनसेट करना है, किसी के खिलाफ हमारी रिजेंटमेंट्स ना हो, ये सब कुछ हार्मनी और पीस में इकट्ठे आते हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। ये फिर है इक्वालिटी एंड जस्टिस। ह्यूमंस ये नहीं चाहते कि कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे हो, वेयर एज जो चिम ब्रेन है वो हमेशा ये सोचता है कि आई एम द सुपीरियर वन। अगर वो किसी सेटिंग में जाता है तो वो इमीडिएटली ये चाहता है कि मेरी प्रेजेंस नोन हो, लोगों को पता चले कि आई एग्जिस्ट या मैं हूँ इधर। ह्यूमन जो है वो ये चाहता है कि सारे एक ही पेन पे रहें, यानी कि एक ही उस पर प्लेटू पे रहें और कोई इश्यूज़ ना हो, बिकॉज़ जहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी वहाँ पे फिर इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। कोई दूसरे बंदे को आप अगर आप फील करेंगे कि मैं उसके इक्वल नहीं हूँ तो आपकी सेल्फ इस्टीम हर्ट हो सकती है, उस पॉइंट पे आके आपकी लो सेल्फ इस्टीम जा सकती है, लो सेल्फ इस्टीम से आप एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, इनएडिक्वेटनेस, ये सारा कुछ आ सकता है। तो इसलिए ह्यूमन स्ट्राइव ये करता है कि हम सारे जो हैं एक इक्वल पेन पे हैं। उसके बाद एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल। ह्यूमंस वांट टू डू व्हाट्स राइट, यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह समझाती हूँ कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि आप जो ठीक चीज़ें हैं उसके थ्रू अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं, ये तो नहीं चाहेंगे किसी से झूठ बोलें, किसी को यानी कि गलत बयानी करें किसी के साथ, ताकि आपका बिजनेस आके बढ़ सके। जहाँ पे चिम ब्रेन है वो चिम ब्रेन बस चाहता है कि मैं ये अचीव कर लूँ, तो वो कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकता है, कोई भी मीडियम्स, हाँ कोई भी मीन्स यूज़ कर सकता है, वो चाहे कि बुरे से बुरे मीन्स क्यों ना हो, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, कुछ भी करना, चोरी करना, बट दे जस्ट वॉन्ट टू, इट जस्ट वॉन्ट्स टू अचीव दैट थिंग, या। और जो ह्यूमन है वो चाहेगा कि हम राइट और रॉन्ग के साथ चलें, जो हाँ एथिकली चलें, जो राइट चीज़ें हम वो करें, हम कोई गलत काम ना करें, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियंस होगी वो फिर आपको तंग करती रहेगी सारा टाइम कि आपने ये गलत किया है, तुमने ये गलत तरीके से अचीव किया, यू डोंट डिज़र्व दिस। आप सीखते हो, ह्यूमन ब्रेन को वैसे पता नहीं होता, पर बचपन से आप जो आपकी सोशलाइजेशन होती है, सोसाइटी आपको ये सिखाती है ना शुरू से, जब से हम छोटे पैदा होते हैं बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स ही सिखा रहे होते हैं ना, ये गलत है, ये ठीक है, ये नहीं करना, किसी से इस तरह बात नहीं करनी, आराम से पेश आना है, या अगर कोई आपको कैंडी दे रहा है स्ट्रेंजर, आपने उसके पास नहीं जाना, या आपने किसी को हर्ट नहीं करना। तो ये आपके जो सोशलाइजर्स हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं लाइफ स्किल्स, वो आपको बताते हैं कि राइट रॉन्ग क्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते जाते हैं आप एक अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन भी डिवेलप करते जाते हैं, जिसमें आप मे भी समझते हो कि ये चीज़ ठीक है लेकिन दूसरे समझते हो ये चीज़ गलत है, और यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन, इट्स यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। बट हम जब सोसाइटी में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सोसाइटल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के साथ ही चलें, हम उससे डिविएट नहीं करना चाहते, क्योंकि जब जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे तो दूसरे कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा काम यही होता है कि हम सोसाइटल वैल्यूज़ के साथ चलें, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ एंड राइट्स। आपकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ लव, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि जो आपका चिम ब्रेन है वो बहुत जल्दी डिवेलप हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन को टाइम लगता है, अरसा लगता है, आपकी काफ़ी एडल्ट लाइफ में जाके आपका ह्यूमन ब्रेन फुली डिवेलप होता है। फिर है हैप्पीनेस और सक्सेस। अब हैप्पीनेस को हर कोई डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है, किसी के लिए हैप्पीनेस वुड बी अच्छे रिलेशनशिप्स, किसी के लिए हैप्पीनेस होगी पढ़ाई करना, डिग्री लेना, पीएचडी करना, अच्छे खाने खाना हैप्पीनेस ही हो सकती है। लेकिन फिर इसको डिफरेंशिएट करना है चिम्प की ड्राइव से, बिकॉज चिम्प में भी एक फूड ड्राइव है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से फूड एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए देखना होता है इस चीज़ को। और सक्सेस, हर कोई चाहता है कि हम लाइफ में आगे जाके कामयाब हों,
कोई भी ये नहीं चाहता कि हम नाकाम हो लाइफ में. हम रिकमेंड ये करते हैं कि जब यहाँ से आउटडोर हो तो आपकी जो रूटीन है वो अच्छी, यानी कि एक बैलेंस्ड रूटीन हो जिसमें सारी आपकी चीज़ें नीड्स पूरी हो रही हों. आप वॉक भी करें, एक्सरसाइज करें, बात करें किसी से, पूरी एक रूटीन डेवलप करें. तब एक ना सुबह से लेके जब आपने उठना है और रात को जब आपने सोने जाना है तब तक एक रूटीन बनाएं, इंटरवल यानी कि आवरली जो भी सारा, उससे ये होगा कि आपकी एंजाइटी कम होगी बिकॉज आपको पता होगा कि आपने अब नेक्स्ट क्या करना है. इसलिए तो ये कहते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें इंकॉर्पोरेट करें ना अपनी रूटीन में. सिर्फ एक ही चीज़ में करेंगे ना कुछ अर्से बाद आप उसे बोर हो जाएंगे. अगर आप सिर्फ फ़ोन रखेंगे अपनी रूटीन में एक टाइम आएगा आप थक जाएंगे फ़ोन देख देख के. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, होती है, बट ऑब्वियसली परसेप्शन की भी बात है ना. हर कोई इसको डिफरेंटली परसीव करेगा. आपके पास अगर टाइम कम है आप परसीव इस तरह करें कि मैंने और काम करने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो आपको ये लगेगा कि टाइम नहीं है मेरे पास. और जहाँ अगर दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है अब तो मेरे पास कुछ करने को नहीं है, परसेप्शन की बात होती है. हमेशा कुछ ना कुछ करने को होता है किसी के पास. सेल्फ केयर, सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. मेडिटेशन, रिफ्लेक्ट करना अपने आप पे, हाउ यू कैन इम्प्रूव, कहाँ पे आपको मसले आ रहे हैं, किस तरह आप फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना, ये सब बहुत ज़रूरी है. आप सही कह रहे हैं कि मी टाइम की ज़रूरत है. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो आपकी रूटीन है उसमें एक घंटा आप ज़रूर डालें, इनकॉर्पोरेट करें, एक घंटा या आधा घंटा मेडिटेशन के लिए. बेशक आप प्रॉपर मेडिटेशन ना करें बट जस्ट सिट डाउन, राइट, हाँ, थिंक अबाउट इट या राइट हाउ यू आर फीलिंग, या आपने पूरे दिन में क्या किया, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अपने एक्शंस पे, पास्ट एक्शंस पे, फ्यूचर. हाँ, काफ़ी तरीके हैं इस तरह मी टाइम करने के. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मी टाइम असेंशली तो ये इसको अगर हम उस तरह डिफाइन करें तो इट्स फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, चाहे वो अब आप किसी की हेल्प से करें या आप खुद करें, बट इट शुड बी अबाउट यू एंड नॉट अबाउट समवन एल्स उस टाइम पे. नेक्स्ट है चिंप का एजेंडा. चिंप का मेन काम होता है सेल्फ सर्वाइवल, आपकी स्पीशीज़ को आगे चलाना बेसिकली. एंसेस्ट्रली भी देखें तो इसी तरह हमारी एवोल्यूशन हुई है, इसी तरह हमारी ह्यूमन रेस इतनी आगे बढ़ी है बिकॉज दैट वॉज बिकॉज ऑफ द चिंप ब्रेन, या चिंप की जो ड्राइव थी टू रिप्रोड्यूस, सेल्फ सर्वाइवल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, हाँ, चिंप की होती है वो ड्राइव. ठीक है, तो इसका मेजर मेजर काम चिंप ब्रेन का या जो आपका पूरा मॉडल है उसका ये है कि आप किस स्पीशीज़ को सर्वाइव कराना है, इंश्योर करना है. देखें सेल्फ सर्वाइवल डिफरेंट भी तो हो सकता है ना. सेल्फ सर्वाइवल के मतलब ये हो सकता है आप किसी इधर इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं वेयर देयर इज़ अ डेंजर टू योर लाइफ, आप उस टाइम पे अपने आप को बचाना चाहेंगे ना. आप ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है अब दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई विल एक्सेप्ट इट, इस तरह तो नहीं होता ना. आप फाइट बैक करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे टू इंश्योर कि आप सर्वाइव करें, यू गो बैक अलाइव. सेल्फ सर्वाइवल और स्पीशीज़ का सर्वाइवल इट्स बिट डिफरेंट, बट स्पीशीज़ जो है वो मैक्रो लेवल पे काम हो रहा होता है. एवरीवन इज़ डूइंग इट, लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू इट समहाउ, बट सेल्फ सर्वाइवल बहुत इंडिविजुअलाइज्ड लेवल पे भी हो रहा होता है. लाइक आप खुद कर रहे होते हैं, आप अपने आप को कर रहे हैं ना उस टाइम पे, लाइक सर्वाइव आप एक, हाँ, इस तरह हो सकता है. देखें, लेट्स लुक एट इट दिस वे, एक माइक्रो लेवल पे काम इस तरह हो रहा है कि यू आर इंश्योरिंग योर ओन सर्वाइवल, और फिर दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, तो वो मैक्रो लेवल पे काम हो रहा है. ठीक है, इस तरह करते हैं इसको. प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, इसकी बात होगी. प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम हार्म. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे बुरा लगे यार, आपको लगे कि डेंजर है या थ्रेट है, भागना है, रुकना है, जो भी करना है, वो सारा आपका एक रिस्पॉन्स आता है उसमें, कि अपने आप को हार्म से बचाना है. बिकॉज नोबडी लाइक्स बीइंग हर्ट, कोई नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे या मुझे दर्द हो, इस तरह का कुछ भी हो. हम सारे यही चाहते हैं ना कि हम खुश रहें, हमें इस तरह की दर्द वगैरह ना हो एंड हम ठीक रहें. ऐसे तो नहीं है ना कि कुछ चाहेंगे कि हमें लाइक हार्म पहुँचे या कुछ करें. अब वो डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस विद नो लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिनको नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं अभी. अट्रैक्टिंग अ मेट, सबके लिए ये ट्रू नहीं होगा, बट जो फिजिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ह्यूमंस में नेचुरली होता है. एवरीवन वांट्स, हर किसी को अट्रैक्शन होती है किसी के साथ. मैं उसको थोड़ा ह्यूमनाइज कर रही हूँ ना, अट्रैक्टिंग अ मेट को. हाँ जी, उसमें तो ठीक है कि वो एनिमल्स जो हैं वो अपने मेट को अट्रैक्ट करते हैं या अपने पैक के साथ चलना चाहते हैं, उसमें भी इंश्योर यही हो रहा था सर्वाइवल.
सर्वाइवल इंश्योर हो रहा होता है ना. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एक लाइनेस है, शी इज़ गेटिंग हर्ट या उसको कोई मार है, शी विल लुक फॉर हर पैक या उसका जो पैक है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा उस टाइम पे. बट एनिमल्स का मेन काम तो यही होता है ना कि उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करके आगे चलाना होता है सारा कुछ, राइट. फिर है एस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी. ये भी उसी से आता है, जब भी कोई उस बाउंड्री को ब्रीच करेगा या क्रॉस करेगा उस लाइन को, तो हमें नुकसान पहुंच सकता है या हमें इशू होगा उस बात में, हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे. चिम ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके वो आ रहा है ना कि सर्वाइवल हार्म वाला इंस्टिंक्ट आ रहा है, तो इमीडिएटली यही चाहेंगे ना कि हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को सेल्फ डिफेंस में जाएं करें, ठीक है. फिर सर्चिंग फॉर फूड वही बात आ जाती है फिर सर्वाइवल में, कि आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. आपको भूख लगी, आप जाके कुछ ना कुछ तो खाएंगे, राइट. तो एनिमल्स भी यही करते हैं, हंट करते हैं दूसरे एनिमल्स को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए. हाँ, प्रेडेटर एंड प्रे का आ जाता है कॉन्सेप्ट, कि एक प्रेडेटर है एक प्रे है. प्रेडेटर हमेशा प्रे की सर्च में जा रहा होगा, स्पेसिफिक टाइम्स पे जाते हैं, बट वो ढूंढेंगे उसको, प्रे को, टू इंश्योर कि वो कुछ खा लें. क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा एनिमल्स जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता काफ़ी देर से, आजकल जैसे पोलर बेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, सिंस पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, तो उनको इतना खाना नहीं मिल रहा उस टाइम पे. सो यू कैन सी के देर वो कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं या काफ़ी लेथार्जिक हो रहे हैं. तो वो इस वजह से हो रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा, और इसी तरह फिर जो आपकी स्पीशीज़ हैं उस वो यानी कि सर्वाइवल आपका चांस कम होता जा रहा है सर्वाइवल का. फाइंडिंग शेल्टर यही कि आप अपने आप को यानी कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबली रहना चाहते हैं. जहाँ भी आप हों कंफर्टेबली तो जाएंगे. फिर अगर आप कहीं जब ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कैंप लगाएंगे एंड यू स्टे इन इट. आप आउट इन द ओपन नहीं रहेंगे. कैंप भी चाहेंगे अच्छा होगा, आउट इन द ओपन रहने का एक नुकसान ये होगा कि यू आर वल्नरेबल. हाँ, यू आर ओपन टू एवरीथिंग, यू आर वल्नरेबल. कोई भी आपको आके अटैक कर सकता है, कोई आपके आके चोरी कर सकता है. जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं और आप आउट इन द ओपन हैं, कोई चोरी कर सकता है, कोई आपको आके नुकसान पहुँचा सकता है. और उस लिहाज से देखें, अगर कहीं रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो जो एनिमल्स हैं वो आपको आके हर्ट कर सकते हैं, इसलिए फाइंडिंग अ शेल्टर. एंड सिमिलरली जो चिम्प या एनिमल्स हैं वो भी शेल्टर ढूंढते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्म, टू बी कंफर्टेबल. एनिमल्स वांट टू बी कंफर्टेबल एज वेल. मैनेजमेंट होती है चिम्प की, मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं. उस टाइम पे हमें ये होता है कि स्टॉप, एक बेसिक जो फॉर्मूला है, चिम्प आपको अगर कुछ कह रहा है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, हमें ये करना चाहिए, उस टाइम पे आप कहें स्टॉप, थिंक एंड देन रिएक्ट. स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक, आपका चिम्प ये बैठा है, आप उसे स्टेप बैक करें, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मैंने करना क्या है इसके बारे में. फिर आप चिम्प को समझाते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं, हम इस तरह रिएक्ट करेंगे, और फिर आप फिजिकल जो आपका रिएक्शन होगा फिजियोलॉजिकल वो आप देते हैं.